सोलन में कोरोना का कहर थम नहीं रहा है। रोज कई व्यक्ति कोरोना संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। गनीमत ये रही कि अभी तक सोलन शहर में कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। जो भी मामले आ रहे हैं वे बाहरी राज्यों से आए हैं। वे सभी संस्थागत या होम क्वारंटीन हैं। पिछले कल भी जिला सोलन में 27 मामले कोरोना पॉजिटिव के आए हैं, जिसके चलते सोलन में दहशत का माहौल देखा जा रहा है। लोग अपने घरों से बेहद ही कम निकल रहे हैं। जिला प्रशासन शहरवासियों को नियमों की पालना करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दे रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। मास्क न पहनने वालों के आवश्यक चालान किए जा रहे हैं। अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजन उप्पल ने बताया कि पिछले कल सोलन में 27 मामले कोरोना पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 22 मामले बीबीएन क्षेत्र के हैं। 3 परमाणु बल, 1 सोलन और 1 कंडाघाट का है। उन्होंने बताया कि सभी से संपर्क में आने वाले लोगों की सूची बनाई जा रही है। जो प्राइमरी संपर्क में थे उन्हें आइसोलेट कर दिया गया है। क्षेत्रों को सैनिटाइज किया जा रहा है। किसी भी हालत में कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कल सोलन डिस्ट्रिक्ट में 27 मामले पॉजिटिव आए हैं टोटल, जिसमें से 22 बीबीएन एरिया के हैं, 3 हमारे परमाणु के हैं और 2 सोलन के हैं। 2 सोलन के हैं, जो उसमें से 1 कंडाघाट से पॉजिटिव आया है। ये 14 दिन पहले आए थे, ये अपना गुड़गांव से आए थे और वहाँ से ये अपना नेगेटिव सर्टिफिकेट रिपोर्ट साथ लेके आए थे। फिर भी एहतियात के तौर पे इनको हमने 14 दिन क्वारंटाइन रखा है और 14 दिन इन्होंने पूरी ईमानदारी से क्वारंटाइन रहे हैं, बाहर कहीं इधर उधर नहीं गए हैं। तो 14वें दिन इनका सैंपल हमने रिलीज़ करने से पहले इनका दोबारा सैंपल किया है और जो कि पॉजिटिव पाया गया है। फिर पॉजिटिव पाने के बाद हमने इनको नॉनी में शिफ्ट कर दिया। नहीं, हमारे को ऐसी ना कोई शिकायत आई है, ना कोई सेल्फ क्वारंटाइन की हमारी उसमें आई है। बाकी प्रशासन ने तुरंत, जैसे ये पॉजिटिव आया है तो रात को एम्बुलेंस मंगवा के इनको नॉनी शिफ्ट कर दिया गया है। बाकी जो हमारे हिसाब से इनके प्राइमरी कॉन्टैक्ट, जैसे जो फैमिली वगैरह इनके साथ रहती थी, तो उनके सबके सैम्पलिंग की लिस्ट बन गई है और सैम्पलिंग ले ली जाएगी।